नमस्कार दोस्तों, हम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्या है आपका प्रोजेक्टर, यानी जिसको हम प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन बोलते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा जो प्रोजेक्शन जो होता है, प्रक्षेपण जिसको कहते हैं, ये विजुअल एड्स में आते हैं। इसमें आते हैं विजुअल एड्स में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विजुअल टीचिंग एड्स। ये प्रसार शिक्षा में एक टीचिंग माध्यम है जिसके माध्यम से सूचना का प्रसार प्रचार किया जाता है। अब इसमें देखते हैं प्रोजेक्शन क्या होता है। देख दोस्तों, प्रोजेक्शन दो तरीके से, एक होता है प्रक्षेपण और दूसरा होता है गैर प्रक्षेपण। जो प्रक्षेपण होता है इसमें जनरेटर या लाइट की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके स्लाइड आते हैं, फिल्म स्ट्रिप आते हैं और OHP आते हैं। ये हमारे क्या है, ये प्रक्षेपित होते हैं जिनको लाइट या जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है। जो गैर प्रक्षेपित होते हैं इनमें किसी लाइट या जनरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसमें आपके चार्ट, पोस्टर्स, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये हमारे क्या होते हैं, ये गैर प्रक्षेपित या गैर प्रक्षेपण होते हैं। अब आप आते हैं कि जो प्रोजेक्शन होता है, प्रक्षेपण होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जो प्रक्षेपण होता है वो तीन प्रकार का हमने लिया है। कौन कौन सा? डायरेक्ट प्रोजेक्शन, इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन और रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड। देखिए, जो डायरेक्ट प्रोजेक्शन होते हैं इसमें जो फिल्म जो आते हैं, यानी जो फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर और फिल्म स्ट्रिप आते हैं। देखिए, ये इसके जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, बस इससे यही क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोजेक्टर है ये किस में आते हैं, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन आपका मूवी प्रोजेक्टर से आता है, ये मैं आपको बताऊंगी। पहले इसको कवर करते हैं कि डायरेक्ट प्रोजेक्शन क्या होता है। इसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सीधे प्रोजेक्शन लैंप पर पड़ती है। किससे? प्रोजेक्शन लैंप पर पड़ती है, जिससे प्रकाश की किसी दूसरे स्रोत से वो प्रकाश उस पर जब आती है, तो जिससे प्रकाश कंडेंसर लेंस से होकर गुजरती है और वो जो है, जब वो प्रकाश उस पर पड़ता है, जिससे स्क्रीन पर जो चित्र होता है वो काफी अस्पष्ट और बड़ा दिखाई पड़ता है, वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट प्रोजेक्शन होता है। इसमें हमारा कि जो किरणें आती हैं प्रकाश की, जो प्रोजेक्शन लैंप के माध्यम से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, सीधे किस पे पड़ती हैं, जो कंडेंसर लेंस उस पे लगा होता है वहां से होकर गुजरती हैं, जिससे जब उस पे लाइट पड़ती है तो जब उससे जो उस स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई पड़ता है वो काफी बड़ा और काफी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसमें हमारा फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर और फिल्म स्ट्रिप आते हैं। ये आपके विजुअल टीचिंग एड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन। क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन, जिसको अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण कहते हैं। इसमें हमारा OHP आता है, जिसको बोलते हैं ओवर हेड प्रोजेक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है ओवर हेड प्रोजेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो प्रोजेक्टर पर, जो लैंप होता है, जो प्रोजेक्टर लैंप से निकल कर वो जो होता है समतल दर्पण द्वारा परावर्तित होता है, जो 45 डिग्री के कोण पर वो स्थित होता है, वो इस तरह से आपका प्रोजेक्टर होता है। यहाँ पे लैंप बना होता है, यहाँ पर आप एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी पर वो रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, जिसपे जो मैटर लिखा होता है वो यहाँ से अक्ष एक्स क्या होता है, अक्ष मतलब इसको यहाँ से वो जो बिंब प्रतिबिंब होता है ये इसको कैच करता है, और सीधे जब कैच करने के बाद वो लाइट जो है सीधे दीवार पर पड़ती है और जो हमें चित्र दिखाई पड़ता है बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही बड़ा, शब्द जो भी लिखा रहता है, जो मैटर रहता है, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब जो OHP होता है वो क्या है, वो एक इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन है और ये 45 डिग्री कोण पर ये अवस्थित या अवस्थित होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन। क्या है रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन? इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ओपेक प्रोजेक्टर आता है। कौन आता है? ओपेक प्रोजेक्टर आता है।
जिसको हम एपीडाइस्कोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीडाइस्कोप कहते हैं या ओपेक प्रोजेक्टर कहते हैं। इसमें पारदर्शी और अपारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और गैर ट्रांसपेरेंट की चीजों को आसानी से दिखाई जा सकती है। जैसे आपकी बुक के दोनों तरफ के पार्ट को दिखाया जा सकता है और आसानी से देख सकते हैं। जबकि आपका ओएचपी है, इसमें केवल ट्रांसपेरेंसी यानी जो पारदर्शी की चीजें हैं उन्हीं को ही केवल दिखाया जा सकता है। तो ओपेक हमारा पारदर्शी और अपारदर्शी चित्रों को या सामग्री को बड़ा करके पर्दे पर आसानी से देखा जा सकता है। ये हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन होता है, जिसमें एपीडाइस्कोप आते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में हमारा ओएचपी आता है। अब आते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवी प्रोजेक्टर। क्या हमारा मूवी प्रोजेक्टर? ये ध्वनि रहित होता है, यानी ध्वनि रहित, ध्वनि सहित, इसको कहते हैं साइलेंट या साउंड मूवी बनाई जाती है। साइलेंट या साउंड मूवी से बनाई जाती है और यह सभी प्रक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड, यानी तीनों को मैच होकर के इसमें से जो है प्रक्षेपण कराया जाता है। यानी जो ये सभी प्रकार के जो प्रक्षेपण होते हैं उनके सिद्धांत पर मूवी प्रोजेक्टर कार्य करता है। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं और यही आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो 8 मिलीमीटर यानी 8 mm होती है, ये फिल्म को दिखाने के लिए फिल्म प्रोजेक्टर के में 8 mm होती है मूवी प्रोजेक्टर। 16 mm किसकी होती है? एक्सटेंशन विंग प्रोग्राम को दिखाने के लिए। 35 mm कहाँ पे यूज किया जाता है? सिनेमा हॉल में। तो मोस्ट रूप से आपका क्वेश्चन यहाँ से आया था, 16 mm और 35 mm। 16 mm जो है एक्सटेंशन विंग प्रोग्राम को दिखाने के लिए और 35 mm आपका सिनेमा हॉल में जो मूवी देखने जाते हैं वहां पर इतनी होती है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब आपका आता है एक, मैंने क्वेश्चन दिया है इसमें कुछ कि कंपेन, कंपेन यानी जो अभियान लगाया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? क्यों कंपेन है, क्यों अभियान लगाया जाता है? तो समुदाय में किसी भी चीज के प्रति सामाजिक घटना या कोई ऐसे तथ्य जो लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो इस तरह की चीजों के प्रति लोगों को जागरूकता प्रदान करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए कंपेन किया जाता है। दूसरा आपका है फोरम। फोरम क्या है? वाद विवाद के एक वाद विवाद इसमें किया जाता है, जिसमें श्रोता और जो स्पीकर होता है दोनों में आपस में बातचीत होती है और जो श्रोता होता है उन बातचीतों में जो निष्कर्ष निकलता है वो उसको ग्रहण करता है, उसको अपनाता है। तो हमारा क्या होता है? फोरम। तीसरा आपका है ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? तो ये आपको आंसर में लिख के बताना है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग किसे कहते हैं या इसमें क्या होता है। तो ये हमारी वीडियो है। तो ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। यदि मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।